नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। आप इसे अगर आपके घरों के आसपास में हैं तो इसे साधारण पौधा समझ करके फेंकने की भूल मत करना। इसके जो आज चमत्कारिक गुण बताऊँगा, आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊँगा तथा किस प्रकार का इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है, अगर ये सारी जानकारी आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आज की ये वीडियो देख लेंगे तो कल से इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है कि इसके जब चमत्कारिक गुण आप समझेंगे तो बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएंगे कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज के हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, इस पौधे को कई जगह रेड जीरा के नाम से जानते हैं, तो कई जगह इसे चिचिरी कहते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे औंगा के नाम से जानते हैं। इसे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो खासकर ये जो पौधा, इसे लड जीरा के नाम से भी लोग जानते हैं। और इसे अपमार्ग क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये उल्टा चलता है। इसके जो बीज हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं। आप अन्य पौधों के बीज देखेंगे, फूल के बीच में देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निचले की तरफ होता है। इनके जो बीज होते हैं ये निचले की तरफ होते हैं, ये उल्टे होते हैं, इसलिए अपमार्ग बोला जाता है। अपमार्ग विद्या में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। तो क्यों हमारे लिए असाधारण है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अभी तक अगर भारत भूमि से हैं तो जय हिंद जरूर लिखना। दोस्तों, इस पौधे के चमत्कारिक और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊँगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि आप इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज भी संत महात्मा इसके बीज से खीर बनाते हैं, इसके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है। जो लोग वन में, जंगलों में रहते हैं, वो इसके बीज से अपना व्रत यानी कि रखते हैं और इसी के बीज से व्रत यानी कि जो व्रत में खाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग फल वगैरह खाते हैं तो ये इसके बीज खाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये कहा जाता है कि ये जो अपमार्ग के पौधे हैं, चिड़चिड़ी यानी चिचिड़ी के जो पौधे हैं, इसके जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल ही माँ गंगा का वास होता है। और ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत के कुछ बूंद इसके जड़ में पड़े थे, इसलिए आज भी लोग जो धार्मिक लोग रहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप यहाँ कौन कौन से इसके दातुन करते हैं। जो बहुत से पुराने समय के यानी लोग हैं, सयाने लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इसके जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके जड़ में गंगा का वास होता है, इसके जड़ में अमृत की कुछ बूंदें गिरे थी। आइए सर्वप्रथम जानते हैं इसके आयुर्वेद प्रयोग, फिर जानेंगे इनका चमत्कारिक प्रयोग। आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि अगर इसके जड़ का दातुन किया जाए, जिसे लंबे समय से दांतों में पायरिया है, दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टरी इलाज नहीं करा पा रहे हैं या फिर डॉक्टरी दवा खा रहे हैं, फिर भी दांतों के दर्द में, दांतों में दर्द बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, तो केवल इसके दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़ाएँ हैं, बैक्टीरिया हैं, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दातुन करने से केवल 15 दिनों तक, इनके रेगुलर दातुन करने से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे, दांतों के दर्द समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ये दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करते हैं। जिनके दांतों में पीलापन है, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इसके दातुन जरूर करने चाहिए। इनके दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है। ये तो प्रयोग हुआ, अब जानते हैं इसके जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। इसका चमत्कार हमने खुद देखा हुआ है। तो जिनके यानी जो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रसव होने में देरी हो रही है, बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिन्हें प्रसव के समय पीड़ाएं होती हैं, जो लोग चाहते हैं कि स्थिति बेहतर हो, तो चिड़चिड़ा यानी कि चिचड़ी नामक की जो जड़ होती है, इसे आपको सर्वप्रथम 2-4 यानी आपको चावल के
दाने ले लेने हैं और इसके जड़ में डालना है और आपको प्रार्थना करना है इस चिड़चिड़ा की जड़ से, हे महाराज आप में मैं इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, आपको मैं इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ, जो कार्य सिद्धि हो उन्हीं कार्य के लिए आप बोले वहाँ पर। इस प्रकार से प्रार्थना करें। लाल कलर में कपड़े में बांधकर जिनके प्रसव होने वाले हैं उन्हें पहना दें, बिल्कुल पीड़ा भी कम होगी और बच्चे भी जल्द यानी ठीक हो जाएंगे। बाद में थोड़ी देर बाद इस जड़ को आप निकाल दें, यानी कि जिन माताओं बहनों को जो प्रसव काल है और उसमें आपने ये जड़ बांधा है चिड़चिड़ा का, यानी कि चिचड़ी का, चिड़चिड़ा का, तो इसके जड़ को जब प्रसव हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, तो फिर इसे तुरंत थोड़ी देर बाद निकाल दें। ज़्यादा देर तक मत बंधे रहने देना। आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस व्यापार अच्छे से चले, धंधा पानी अच्छे से चले, तो इसकी जड़ को यानी गुरु पुष्य नक्षत्र में लेकर आइए, या फिर शुभ दिन दीपावली, होली, दशहरा, अक्षय तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा की तिथि के दिन कृतिका नक्षत्र में भी इसे जड़ को ला सकते हैं और अपने गले में, आलमारी में धन के स्थान पर इसे पैसे के स्थान पर रख दें। इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके आप अपने व्यापार के स्थल पर बांध दें। देखना 50 ग्राहकों की जगह 500 ग्राहकों की भीड़ लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि दुकान में ग्राहकों की भीड़ में यानी बढ़ जाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। दूसरा चमत्कारिक प्रयोग भी सुनिए। जो लोग बेरोजगार हैं रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे में इसके जड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देकर आ जाना, यानी कि आप इस पौधे के पास जाइए और इस जड़ के पास आप इसे छूकर निमंत्रण देकर आ जाइए। रविवार के दिन इस जड़ को आपको फिर लाना है, यानी कि एक दिन पहले आप करेंगे और रविवार को इस जड़ को लाएं, सोमवार के दिन इसकी पूजा करें और मंगलवार के दिन इसे पूजा करने के बाद गुरुवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही वनवांछित नौकरी की प्राप्ति होगी। कैसी भी नौकरी अगर आप चाहते हैं, आपकी शिक्षा अच्छी है, तो आप देखेंगे कि चमत्कार होगा। दोस्तों आजकल चमत्कार को ही नमस्कार होता है, क्योंकि साधारण पौधा इसे मत समझना, इसे साधारण पौधा समझकर फेंकने की भूल मत करना। इसमें अद्भुत गुण होते हैं, इसमें अद्भुत यानी कि क्षमताएं होती हैं, इसके गुण बहुत होते हैं। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, जिनको चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी सदैव इनके घर में वास करें, वो लोग क्या करें, वो लोग क्या करें कि इसे किसी भी दिन यानी कि इन्हें जड़ को लेकर आएँ, और जड़ को आप यानी कि लेकर आएँ कम से कम 4 अंगुल को, 6 अंगुल का जड़ हो, और इसे लेकर आएँ, लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें, रहने दें, रात भर पूरी रहने दें। अगले दिन सूर्य उदय से पहले हाथ मुंह गोड़ धोकर यानी कि पवित्र होकर फिर इसे आप जड़ को अपने धन के स्थान पर रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फायदा मिलेगा और लाभ इतना मिलेगा कि आप अपने जीवन में देखेंगे। इसे हमेशा अगर आप अपने पॉकेट में, जेब में और बटुए में रखकर चलते हैं, तो कभी भी आपका जेब, बटुआ और पॉकेट धन से खाली नहीं रहेगा, हमेशा धन से भरा रहेगा। इसकी जड़ को यानी चिड़चिड़ा नामक इस पौधे की जड़ को अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यानी कि लाल धागे से बांध कर लटका देते हैं, तो लक्ष्मी जी जल्दी प्रवेश करती हैं घर में, और दरिद्रता उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती, गरीबी कभी नहीं आती है। तो दोस्तों इसे साधारण पौधा मत समझिए। दोस्तों ये बहुत ही यानी कि चमत्कार और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी पौधा है। इस जड़ को आप जरूर अपने घर लेकर आएं। इस पौधे को चाहे तो आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में वास करती हैं जिस घर में इसका पौधा होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।